ध्वनिर्वर्णा पदम वाक्यमित्यास्वद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तानुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम भारत के आर्थिक परिवेश की समस्याएं। ये कार्यक्रम MBA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RM गोयल। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारत के आर्थिक परिवेश की समस्याएं। प्रस्तुत है आज इसका पहला भाग। नमस्कार, आज का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के M2 कोर्स से संबंधित है। यूं तो जो स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया गया है उसमें इस शीर्षक के अंतर्गत तीन विषयों का उल्लेख किया गया है। एक है पैराडॉक्स ऑफ रिफॉर्म मेजर्स, सुधार उपायों की विषमताएं, जिनका संबंध है 1990 के दशक में भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिनको हम रिफॉर्म मेजर्स के नाम से जानते हैं, उन नीतियों के परिणाम स्वरूप कुछ विरोधाभासी डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कुछ बेरोजगारी, गरीबी, गैर बराबरी इत्यादि। दूसरा विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत संरचना होती है, यातायात जिसमें सड़कें, रेलें, जहाजरानी इत्यादि का विकास, ऊर्जा के स्रोत विभिन्न स्रोतों के, शिक्षा इत्यादि इत्यादि, इन क्षेत्रों का विकास किस प्रकार का हुआ है। और तीसरा जो विषय है वो बजट 1999-2000 आशय जो लेटेस्ट अद्यतन बजट है उससे है। आज हम इन विषयों में न जाकर वर्तमान में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो एक मैनेजमेंट के विद्यार्थी के सामने सबसे प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती हैं, उन पर चर्चा करना अधिक लाभदायक समझते हैं। और संभावना भी ये रहती है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये अधिक महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस विषय का आशय ही ये है कि प्रबंधन के क्षेत्र में निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों के परिवेश में वर्तमान और निकट भविष्य में उद्योग व्यापार के सामने किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनका स्वरूप क्या है और उनके लिए एक मैनेजमेंट का विद्यार्थी क्या कर सकता है। तो आज हम जिन तीन चीजों पर ध्यान देना चाहेंगे उनको हम दो कड़ियों में पूरा करेंगे। ये तीन विषय हैं। पहला है मंदी, जिसको रिसेशन कहा गया है। ये विश्वव्यापी घटना है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। आज हम केवल इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और दूसरे दो विषय हैं, एक है जिससे भी आप लोग सभी परिचित होंगे, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी IT कंपनी है जिसका नाम है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उस घोटाले से उत्पन्न एक मौलिक समस्या जिसको हम कॉरपोरेट गवर्नेंस की समस्या कह सकते हैं, निगमीय प्रबंधन। कहीं ना कहीं हमारे निगमीय प्रबंधन में कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, जिनके फलस्वरूप इतने बड़े घोटाले संभव हो सके, उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा बजट, और बजट 2009-2010, जैसा कि आप सभी जानते हैं, निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनावों के कारण वर्ष 2009-10 का संपूर्ण बजट नहीं है, बल्कि
लेखानुदान मांग के रूप में है, फिर भी बजट तो बजट है और हम उस पर भी संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे इन तीन विषयों में से पहले विषय मंदी अथवा रिसेशन पर करेंगे और शेष दो जो विषय हैं निगमीय प्रबंधन और बजट, इन पर हम अगले किसी दिन चर्चा करेंगे। अब जहाँ तक मंदी का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं, खास तौर से प्रबंधन के विद्यार्थी के नाते लगातार आप अखबारों में पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे कि वर्ष 2007 के आखिरी महीनों से प्रारंभ होकर धीरे धीरे जो गिरावट अमेरिका में प्रारंभ हुई, उसका जाल, उसका प्रभाव, उसके दुष्परिणाम क्रमशः लगभग संपूर्ण विश्व में फैलते जा रहे हैं। सर्वप्रथम इससे अमेरिका प्रभावित हुआ, संबद्ध यूरोपीय यूनियन, अन्य विकसित देश और धीरे धीरे शेष दुनिया भी इसकी चपेट में आ गई। हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में बड़ी बड़ी, जिसको हम मल्टी मिलियनायर न कहकर अभी मल्टी बिलियनायर कंपनी कह सकते हैं, इनमें से कुछ बैंकिंग संस्थाएं, कुछ औद्योगिक संस्थाएं फेल हो गईं, उनके देवाले निकल गए, अनेक औद्योगिक घरानों ने बड़ी संख्या में अपने पदार्थों की मांग में गिरावट होने के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी कर दी और श्रमिकों की छटनी कम कर दी। यह संकट प्रारंभ हुआ, आप अगर याद करेंगे, जिसको कहा गया था सब प्राइम संकट। बैंकें जब रुपया उधार देती हैं, चाहे वो उद्योग के लिए हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हो अथवा दूसरे कार्यों के लिए हो, ये उनका फर्ज होता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कर्ज ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाए जिसकी स्वयं की वित्तीय स्थिति ठीक हो, जो उस कर्ज का उपयोग ऐसे उत्पादक कार्यों में करे जिससे उत्पन्न धनराशि के जरिए वह ब्याज का भुगतान कर सके और पूंजी भी यथा समय वापिस लौटा सके। इन मानदंडों में जब हम ढिलाई करके एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और होड़ के देखते हुए, बाजार की मांग को देखते हुए इन मानदंडों में जब ढिलाई करते हैं और बिना उचित, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी के, बिना उचित छानबीन के, बिना इस बात के आश्वस्त हुए कि रुपया उधार लेने वाले की उस रुपये को वापस करने की क्षमता पर्याप्त है अथवा नहीं है, रुपया उधार देते हैं तो हम एक बड़ी जोखिम उठाते हैं और यही जोखिम, जिसको हम कहते हैं सब प्राइम कहलाती है, सब प्राइम लोन्स, ऐसे कर्जे जिनको हमने उचित मानदंडों के ढीला करके रुपया उधार दिया हुआ है। तो सब प्राइम संकट कब होता है? जब इकोनॉमी तेजी से छलांगे मार रही होती है, बढ़ रही होती है, बाजार में मांग बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं, उद्योग व्यापार तेजी से फैल रहा है, लोग पैसा मांगते हैं, उधार लगाते हैं, उस समय बैंकें अपने स्टैंडर्ड्स को, बाजार का अधिकाधिक हिस्सा कैप्चर करने के लिए अपने मानदंडों को ढीला करती हैं और रुपया उधार देती जाती हैं। फलस्वरूप बैंक एक स्थिति ऐसी आती है जब रुपया उधार लेने वाले रुपया उधार नहीं कर पाते और बैंक को नुकसान होना प्रारंभ होता है। अब यहाँ एक दो मिनट, आपने पढ़ा होगा बैंकों के वर्किंग के संबंध में, जब भी आपने अध्ययन किया होगा, कि बैंक्स अपनी पूंजी और अपने पास जनता से प्राप्त जमाओं की तुलना में कई गुना अधिक उधार देने की क्षमता रखती हैं और वो देती भी हैं। अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट्स क्रिएट लोन्स एंड लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स, ये जो एक साइकिल है, इस साइकिल के परिणाम स्वरूप बैंक अपनी जमा पूंजी और लगाई हुई पूंजी की तुलना में कई गुना कर्जा दे सकती हैं।
ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कोई व्यापारी या उद्योगपति, उसने 10 लाख रुपया पूंजी लगाई, लेकिन वो 10 लाख रुपये पूंजी लगाकर हो सकता है एक निश्चित अवधि में, एक वर्ष में 1 करोड़ का व्यापार करे, यानी 10 गुना अधिक का व्यापार करे। अगर उसको कहीं एक सौदे में भी 12-15 लाख का नुकसान हो गया तो कल्पना कीजिए कि उस कंपनी का क्या होगा, सारी पूंजी डूब जाएगी एक ही ट्रांजैक्शन। इसी प्रकार बैंकों का होता है, मैंने बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिए, मैं वो 5 लाख रुपए बैंक से नकद विड्रॉ नहीं करूंगा, बैंक उसे मेरे खाते में जमा कर देगी और मुझे उस पैसे को आवश्यकता अनुसार विड्रॉ करने का अधिकार होगा। यही चीज आगे तक चलती रहती है। अब जो रुपया बैंक ने मुझे उधार दिया वो जमा के रूप में भी बैंक के पास आ गया, और उस जमा के आधार पर बैंक अपनी कुछ वैधानिक सिक्योरिटी रखकर, कुछ प्रपोर्शन रखकर उस पर दूसरा रुपया उधार दे सकती है। परिणाम ये होता है कि एक भी पार्टी अगर बड़ी पार्टी हुई और उसका कर्जा फेल हो गया, बैड डेट हो गया, वापस नहीं आया, तो बैंक उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट अनुभव करेगी। यही हुआ, बड़ी बड़ी बैंक जिनके अरबों डॉलर इस प्रकार उधार दिए हुए थे, वे जब बैड डेट्स में परिवर्तित होना शुरू हुए तो उन बैंकों के दिवाले निकलने प्रारंभ हुए, और जब बैंकों के दिवाले निकलेंगे तो आज की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। जिन्होंने बैंक से रुपया उधार लिया है वो प्रभावित होंगे, जिनका पैसा बैंकों में जमा है वो प्रभावित होंगे, और जब ये सब लोग प्रभावित होंगे तो उनसे संबंधित जो उद्योग हैं, जो व्यापार हैं, वो प्रभावित होगा। वे अपनी खरीदारी कम करेंगे, मार्केट में उनकी डिमांड कम होगी, और ये सब उल्टी दिशा में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगा। तो बैंकों के दिवाले निकले, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के दिवाले निकले, और ये जो मंदी का दौर है ये शुरू हो गया। और इसके जो ऊपर देखने वाले परिणाम थे, वो परिणाम दिवालों और उसमें तो निकले ही, बेरोजगारी, करोड़ों की संख्या में लोग नौकरी से हटाए जाने लगे, व्यापार में मंदी आ गई, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, अभी आजकल के अखबार में ही आप देखते होंगे कि वर्तमान में जो अमेरिका का शेयर मार्केट है उसमें जो न्यूयॉर्क का नेस्डेक है वो 1997 के बाद सबसे निचले स्तर पर चला गया, क्योंकि कई मायनों में, खास तौर से अमेरिका जैसे विकसित देशों में, स्टॉक मार्केट देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक आईना होता है, और जब उसमें गिरावट आती है तो स्वाभाविक है कि उस स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस में भी गिरावट आती है। विकास दर, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान वर्ष में अमेरिका की विकास दर वर्ष 8-9 में पॉजिटिव न होकर ऋणात्मक -6%, यानी वहां की अर्थव्यवस्था बजाय इसके कि अपने स्तर पर विद्यमान हो या उसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो रही हो, वो 6% और गिरावट की ओर उन्मुख है। तो ये सारे परिणाम अमेरिकन इकोनॉमी से प्रारंभ हुए। अब जब अमेरिका जैसा देश इतनी बड़ी संख्या में औद्योगिक और बैंकिंग फेलियर, विकास दर में गिरावट और चारों तरफ की गिरावट अनुभव कर रहा हो, उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। अमेरिका ने दुनिया के अनेक देशों से कर्ज ले रखा है बड़ी संख्या में, हम अभी देखेंगे कुछ कर्ज के फिगर्स। अमेरिका बड़ी मात्रा में विदेशों से व्यापार करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं
जिन सेवाओं को अमेरिका, जिसको हम अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग कहते हैं, विदेशों से पूरी कराता है। यानी ये भी एक तरह से अमेरिका के, जिसको हम अदृश्य आयात कहते हैं, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, वो एक्सपोर्ट्स जो वस्तुओं के रूप में नहीं होते बल्कि सेवाओं के रूप में होते हैं, वो सेवाएं प्राप्त करता है, उसके बदले में भुगतान करता है। तो जिन देशों के एक्सपोर्ट्स अमेरिका में आते थे, जो अमेरिका से सामान मंगाते थे, जो अमेरिका को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते थे, उन सब पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। उनकी भी मांग कम हुई, उनके यहाँ भी प्राइसेस घटी, उनके यहाँ भी गिरावट शुरू हुई। और जहाँ जहाँ जिन जिन बड़ी बड़ी कंपनीज में ये प्रभाव पड़ा, उनके पास भी ऑर्डर्स कम आने लगे। जब ऑर्डर्स कम आएंगे, वे भी कम लोगों को रखेंगे, उत्पादन कम करेंगे, और फिर ये जो क्रमिक ट्रेंड है, प्रक्रिया है, वो चल पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे ये मंदी पूरे संसार को अपनी चपेट में ले रही है, चाहे वो विकसित देश हों या अविकसित या विकासशील देश हों। अब बहुत विस्तार में न जाकर हम इनके कुछ कारणों की समीक्षा करें। ये मंदी क्यों हुई? इसके दो तीन कारण प्रमुख रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला कारण तो मौलिक पूंजीवादी दर्शन है। आप लोग पढ़ते होंगे, पूंजीवादी व्यवस्था में एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव अंतर्निहित हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विकास क्रम है, वो विकास क्रम ही इस प्रकार का है कि उसमें कालांतर में कुछ कुछ समय के बाद, हो सकता है वो समय की अवधि कभी कम हो कभी अधिक हो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हो सकता है वो उतार चढ़ाव दीर्घ काल तक रहें या कम समय तक रहें। हो सकता है कि उन उतार और चढ़ावों की सीमा, कहाँ तक कर्व ऊपर जाएगा और कहाँ तक कर्व नीचे जाएगा, उसमें अंतर हो, लेकिन वो उतार चढ़ाव आते ज़रूर हैं। और उसका मौलिक कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो विशेष गुण हैं, खुली प्रतिस्पर्धा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, प्रतिस्पर्धा पर कोई रोक टोक नहीं, हर व्यक्ति हर उद्योगपति अपने लाभ के उद्देश्य से अपना व्यापार अपना संस्थान चलाने में सक्षम है, और इस नाते वो जिस प्रकार की नीतियों का पालन करता है उसमें गलाकाट प्रतिस्पर्धा, बड़े पैमाने का उत्पादन और बड़े पैमाने की मार्केटिंग निहित है। जब बड़े पैमाने का उत्पादन होता है तो धीरे धीरे आप लोगों ने पढ़ा, ओलिगोपोली की स्थिति निर्मित होती है। किसी एक वस्तु के मार्केट में जहां पहले हजारों उत्पादक हुआ करते थे, आज गिने चुने 10-5 उत्पादक होते हैं जो पूरे मार्केट को मोनोपोलाइज करते हैं। उनमें इतना तेज कंपटीशन होता है, प्राइस वार होती है, कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वे और अधिक उत्पादन करके मूल्यों को गिराते जाते हैं, जिससे कि अपना उत्पादन बेच सकें। एक सीमा ऐसी आती है कि उत्पादन की मात्रा मांग की तुलना में बढ़ जाती। दूसरा एक परिणाम उसका ये होता है कि अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। वर्कर जो बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करता है, जो उपभोक्ता है, उसकी आय तो कम होती है, उद्योगपति अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता है। परिणाम क्या होगा? जिसके लिए आप उत्पादन कर रहे हैं, जो आपके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदेगा, उसकी क्रय शक्ति तो कम हो रही है, आप उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं। फलस्वरूप ये अवस्था तो अपने आप आनी ही है कि बाजार में अति उत्पादन की स्थिति होगी, प्राइसेस गिरना शुरू होंगी, फर्म्स को नुकसान होगा, और फर्म्स को नुकसान होगा तो वे और छटनी करेंगे, और फिर ये उल्टी दिशा में जो क्रम है वो चल पड़ेगा। तो इसको और विस्तार में न जाते हुए, कई कारण हमारी बेसिक पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे निहित हैं जिनमें ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम इन उतार चढ़ावों को अनेक बार
अपने प्रयासों से, अपनी नीतियों से टालते रहते हैं। और इसी का फल है कि 1930 के दशक की जो मंदी थी, उसके बाद हम इतने लंबे समय तक उस मंदी को टालने में कामयाब रहे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या और दूसरी चीजें हुई, उन सब के फलस्वरूप, लेकिन अब वो मंदी नहीं टली। इसके साथ साथ बाकी दो तीन जो कारण हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे उधारी पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं। मैंने आपको अमेरिका द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में बताया था, केवल कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। 1950 में अमेरिका के पास कुल जो विदेशी कर्जे थे वो लगभग 2.5 खरब डॉलर के थे। यही कर्जे 2008 में बढ़कर 90 खरब से ज्यादा हो गए। यदि हम इन कर्जों में बैंकों के कर्ज भी और मिला दें तो ये कर्ज मिलकर लगभग 260 खरब डॉलर हो गए। ये बहुत बड़ी रकम होती है। और इसके परिणाम स्वरूप विदेशों का बहुत पैसा, जिसको विदेशी बैलेंसेस कहते हैं, वो अमेरिका के पास जमा हो गया। तो जब आप विदेशी पूंजी पर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली नीति अपनाते हैं, उधारी पर आधारित आपकी सारी अर्थव्यवस्था चलती है, तो कभी भी आप खतरे में जा सकते हैं। इसके साथ साथ बचत की परंपराएं नहीं होना, उपभोक्तावाद का विस्तार होना। किसी समय कहावत होती थी कि आप उतने ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो। आज ये दर्शन पुराना पड़ चुका है। आज हम पहले अपना खर्च तय करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि ये कहाँ से आएगा। हम कमा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इधर से उधार लेते हैं, उधर से उधार लेते हैं और आगे अपने उपभोग व्यय हैं उनको चला देते हैं। इसके बाद जैसा मैंने अभी बताया, सर्वाधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, और इस प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए बाजार में अनेक प्रकार की अनुचित प्रक्रियाएं लागू करना, जिनमें कंपनियों का बड़ी मात्रा में फ्लोट करना, जिनकी ठोस आधारशिला नहीं होती, जोखिम का प्रबंधन उचित नहीं होना, और इन सब के कारण असुरक्षा में वृद्धि होना। तो मूल कारण और आनुषंगिक कारणों की वजह से परिणाम हम सबके सामने है कि महामंदी लगभग पूरे संसार में फैल चुकी है। ये बात जरूर है भारत भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत पर इसका असर अपेक्षाकृत कम है। उसका कारण है कि जितना किसी भी देश का आर्थिक तंत्र विदेशी तंत्र से जुड़ा हुआ अधिक होगा, उतना उस पर ग्लोबल प्रभाव अधिक होगा। विकासशील देशों में अभी ये परसेंटेज कम है। भारत में हमारा जो एक्सपोर्ट्स का अनुपात है, ये अभी भी हमारी जीडीपी के 15% से कम है। फलस्वरूप हम प्रभावित तो जरूर हुए, लेकिन कम हुए। हमारा शेयर मार्केट, जिसको हम सट्टाबाजी या स्पेकुलेशन कहते हैं, सीमित दायरे में, वो कुल जीडीपी का 4% है। हम डोमेस्टिक बचत करते हैं, करीब करीब हमारी 30-35% ऑफ जीडीपी सेविंग्स में होती है, और इन सब के परिणाम स्वरूप भारत में इसका असर कम है, लेकिन फिर भी इसका असर कुछ क्षेत्रों में काफी देखने को मिलता है। खास तौर से ये वे क्षेत्र हैं जो विदेशों पर अधिक निर्भर थे, जिसको आईटी सेक्टर कहते हैं, टेक्सटाइल है, ज्वेलरीज है, इत्यादि इत्यादि। तो जो जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, उनमें ये गिरावट बहुत अधिक देखने में आई है, और इसी के परिणाम स्वरूप हमारा जो टोटल विकास दर है, उस विकास दर में भी कमी आई है। अनुमान है कि इस वर्ष 2008-09 में हमारी विकास दर लगभग 7% होगी, जबकि इससे पिछले वर्ष में हमारी विकास दर 9% थी। यानी एक ही वर्ष में 2% की गिरावट। हमारे वित्तीय घाटे बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, एक एक्ट हम लोगों ने बनाया था, FRBM, फाइनेंशियल प्रूडेंस और उसका जो मैनेजमेंट एक्ट है, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम 9-10 तक फिस्कल डेफिसिट समाप्त कर देंगे। 8-9 में हम उसको 1% तक ले आएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट हम इस साल पूरी तौर से समाप्त कर देंगे। उसके स्थान पर अब हमारा जो ये डेफिसिट है, ये डेफिसिट बढ़ गया। ये डेफिसिट हमारा इस बार ऐसी अपेक्षा है कि लगभग 6% होगा। तो हमारे विकास दर में गिरावट हो रही है,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और हमें अधिक मात्रा में अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सपोर्ट देनी पड़ रही है। अब मंदी को दूर करने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए और किए जा रहे हैं? जैसा मैंने संकेत दिया, मंदी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मांग में गिरावट। मांग में गिरावट के फलस्वरूप उद्योग फेल होते हैं, बेकारी फैलती है, बाकी सब चीज़ें होती हैं। और इसलिए मंदी को दूर करने में हमें कीन्स को याद करना पड़ता है। 1930 की जो महामंदी थी उसमें कीन्स के अर्थशास्त्र ने ही अर्थव्यवस्था को उभारा था। उन्होंने कहा था कि हमें प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी होगी। और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि कैसे होगी? जब हम व्यय की मात्रा बढ़ाएंगे। किसी लिए किसी तरह से हम इकोनॉमी में मांग जनरेट करेंगे। मांग दो प्रकार की होती है, एक कंज्यूमर डिमांड और एक इन्वेस्टमेंट डिमांड। उपभोक्ता अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, उसमें पैसे खर्च करता है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, तात्कालिक उपभोग की और दीर्घकालीन उपभोग की। दूसरा वो विनियोग करता है। इन दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़े, इसे करने के लिए हमें दो प्रकार के विशेष उपाय करने पड़ते हैं। और वो दो प्रकार के विशेष उपाय मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनको आप अपने संबंधित विषयों में पढ़ते हैं। ये उपाय हैं मॉनिटरी और फिस्कल, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय होते हैं जिनमें देश की केंद्रीय बैंक तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा ऐसी नीति अपनाई जाना जिसको हम सॉफ्ट लोन पॉलिसी कहते हैं, इजी मनी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें प्रयास ये रहता है कि ब्याज की दरें घटाई जाएं, जो बैंकें जमा के विरुद्ध उधार देती हैं उसके लिए जो रिजर्व रखती हैं उन शर्तों को ढीला करना, जिससे कि बैंक अपनी जमाओं का अधिक पैसा उधार दे सकें, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो, उद्योगपति कंज्यूमर और अधिक पैसा उधार ले जिससे कि मांग जनरेट हो। ये होते हैं मौद्रिक उपाय। दूसरे होते हैं राजकोषीय उपाय, जिनमें सरकारें करों में छूट दें, अधिक घाटे की अर्थव्यवस्था करें और अधिक पैसा सार्वजनिक योजनाओं पर व्यय करें, जिससे दो उद्देश्य पूरे हों। एक तो ये कि बेरोजगार लोगों को किसी न किसी प्रकार काम पर लगाया जाए और उनको उसके बदले में पैसा दिया जाए जिससे कि वो मांग बढ़ाएं। और दूसरा कि करों में छूट और इस प्रकार की छूटों से, एक्सपोर्ट प्रमोशन से, उद्योगों को और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो संसार के सभी देश विकसित और विकासशील इसी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमेरिका में भी अभी कुछ दिन पहले लगभग 800 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस पैकेज, जो नई अभी ओबामा सरकार हुई है बनी है, उन्होंने स्वीकृत किया है, जिसमें दो प्रमुख भाग हैं। लगभग उसका 1/4 भाग कर रियायत में दिया जाएगा और बाकी का भाग रोजगार निर्माण करने में और गरीबों को सहायता करने में किया जाएगा। इसी प्रकार भारत में भी इस प्रकार के उपाय शुरू हो गए हैं। हमने भी पिछले 4-5 महीनों में बैंक दर में कटौती की, रेपो दर में कमी की, रिवर्स रेपो दर में कमी की। ये सब दरें क्या होती हैं ये आपको पता है। ये महत्वपूर्ण दरें हैं, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। रेपो दर वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक दूसरी बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, और रिवर्स रेपो वो है जिसमें कि बैंकों का अतिरिक्त पैसा अगर वो रिजर्व बैंक के पास रखना चाहें तो वो बैंक देगा। इन दोनों दरों में हमने पिछले समय में काफ़ी कमी की है। आप देखिए कि पिछले 5 महीनों में हमारी रेपो दर 9% से घटकर
5% पर आ गई। आधा प्रतिशत तो अभी अनाउंस हुआ है, जिसमें कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.5 से घटाकर 5% की है और रिवर्स रेपो को 4 से घटाकर 3.5% की है। तो कहने का मतलब ये, इसी प्रकार जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें भी हमारे यहाँ वैट में 4% की छूट दी गई, निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे कि वे अपने निर्यात क्रियाओं को अधिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर विदेशों की तुलना में कर सकें। तो प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें, नवंबर 2008 में एक सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में, G20 देशों का सम्मेलन। उस सम्मेलन ने इस विषय पर चर्चा की और अनेक निर्णय लिए कि इसके लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उनमें सुधार करना होगा और ऐसी नीतियों को अवॉइड करना होगा जिन नीतियों से विकसित देश संरक्षणात्मक नीति अपनाने की ओर प्रवृत्त न हो। अगला सम्मेलन पुनः अप्रैल में किया जाएगा। तो सारांश में हम कहें कि मंदी अभी और चलने वाली है, कम से कम 1 साल ये मंदी हमारे साथ रहेगी। हम प्रत्येक लेवल पर इससे जूझने के लिए वित्तीय और मौद्रिक उपाय कर रहे हैं और आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान दे और उचित पारदर्शी जिम्मेदारपूर्ण नीतियां अपनाए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम भारत के आर्थिक परिवेश की समस्याएं। आज आपने इसका पहला भाग सुना। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और व्याख्यानकर्ता थे डॉक्टर R.M. गोयल। उद्घोषक थे कुंजीलाल गुलेलिया। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।